हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस दोस्तों, मैं नहा के बस रेडी होकर तुरंत आ रही किचन में। कोई इतना नहीं अपड़ा टपड़ी वाला किचन काम है, मम्मी जी पूजा कर रही है और चाय रख के चली गई थी। बोली जाओ चाय ले लो, नहीं तो जल जाएगा कहे चाय मेरा। तो बस वही चाय लेने आई हूँ। मम्मी जी मेरी पानी गर्म करके रखती हैं, चाय बना देती हैं। आज बाल भी धुली हूँ, तो कहीं जाओ चप्पल चाय पी ली। पूजा मैं कर रही हूँ, बाद में आना कर लेना पूजा, आरती बस ले लेना। तो वही आई हूँ चाय लेने। चलिए बने देखती रहिए मेरे वीडियो को, अच्छा लाइक सब्सक्राइब करिएगा। हो गई सुबह, हो गई मॉर्निंग, स्टार्ट हो गया जो काम है मेरा। अभी मैं छत पे जाऊँगी, धूप लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा। वहीं रहना, मैं आ रही हूँ अभी। अब युक्त आ रहा है, उसको मैं दूध देकर आई हूँ, पी रहा था। बहुत ठंडी है भाई, अब तो बाल धो के नहाना वही। और आप लोग को लग रहा होगा कि मैं रोज़ बाल धोती हूँ, नहीं भाई, एक हफ्ते में बाल धोते हैं, ठंडी में कौन रोज़ रोज़ बाल धोएगा। आप लोग को लग रहा होगा वीडियो के थ्रू कि दो तीन दिन में बार वीडियो ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, ऐसा नहीं। चलिए चाय पी लूँ, बहुत ठंडी लग रही है। आप लोग भी पी लीजिए मेरे साथ चाय। मेरी मदर इन चाय बना के गई है, देखिए नहा के आओ, कोई चाय दे दे। वाह, ठंडी भी गर्मी भी नहीं। वैसे मैं ज़्यादा चाय पीना नहीं पसंद करती, मतलब सुबह शाम चलेगा। पहले तो सिर्फ सुबह शाम नहीं, अभी तो यहाँ रह रह के शादी के बाद तो चाय ही पीने स्टार्ट करती हूँ मैं। नहीं तो मेरे यहाँ बहुत चाय बनता है। आई चाय मेरी हेल्प कर रहा है। भीमा की मम्मी चाय ले लीजिए। चली गई क्या मम्मी जी? हाँ यहाँ चाय है आपका, चाय ले लीजिए। ठंडी में पहले चाय। तो बस दोस्तों, मैं यहाँ पे पानी रख रही हूँ। मेरी जो आती हैं काम उन करने, उन लोग पानी हैंडपम्प से, बस पीने के लिए पानी आता है हैंडपम्प से, दो बाल्टी हो जाता है। उसके बाद टंकी का पानी रहता है, क्योंकि कुएं का पानी नहीं कोई पीता। टंकी में जो पानी होता है कुएं का रहता है, पीने के लिए जो हम लोग हैंडपम्प का पीते हैं। तो ऐसा है, तो यहाँ मैं बाल्टी के ऊपर उठा के रख रही हूँ। अभी योग भी आ गया, देखिए देखो उठ के आ गया। थप्पड़ मारूंगी तुमको, दूध पी रहे थे ना? मेरा लाइनर यार है, तुमको बताती हूँ। मेरा कोई भी चीज लेके रहेगा ना, पहले मुझे चिढ़ाएगा, फिर देगा। मम्मी जी, मम्मी जी चाय दे। ओहो, अभी मैं पहना के आ रही उसको, सुसु कर दिया। अभी सुसु की मम्मी जी जल चढ़ाती आ रहे, बदल रहे मम्मी जी। उसको ना जुकाम हुआ है अभी उसको ना, तो उसको भी मालिश करूंगी, तेल भी गर्म कर लूँ इसी समय। ये देखिए, इसमें अजवाइन है, लहसुन का तेल, सरसों तेल में। इससे क्या होता है, बच्चे लोग उनको कफ जमा रहता है, ढीला होता है कम, मतलब जो जुकाम हुआ होता है ना, एकदम डार्क वाला कोल्ड नहीं, उससे तो और कोई, इससे हल्का फुल्का खांस क्या। अच्छा आ रहे, हो गया। तो यहाँ पे मैं आकृति को मंजन करा रही हूँ। वो बोली मम्मा आज मैं खुद से मंजन करूँगी, तो करने को तो कर लेगी, पर क्या होता है टंग नहीं साफ कर पाती अच्छे से, तो मैं यहाँ कराती हूँ। तो ये मेरा डेली का काम है, और अच्छा भी लगता है बच्चों को ऐसे करना। वो हर माँ का काम होता है अपने बच्चों को शूज पहनाना, कपड़े पहनाना, नहलाना धुलाना, तो ये सब का काम होता है जब तक थोड़ा ये मैच्योर ना हो जाए। तो अभी आ गए हैं रूम में, क्योंकि अभी को अब नींद आ रही है, वो सोएगा। तो यहाँ पे मैं बेडशीट सही कर दूँ। बेड नींद क्या हो ना, यहाँ पे दूध दी थी बॉटल में ना, तो इसकी आदत क्या है, जो बॉटल का ऊपर का कैप नहीं होता जो दूध निकल, उसको उंगली डाल के ना उसको पीछे कर दिया था, उसका पूरा दूध कपड़े से ले के सब बेड उड पर गिरा दिया था। तो ये सब वो करने लगा है, तो मुझे बहुत परेशान किया। अब उसके मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ, क्योंकि पूरा गीला हो गया। अभी मैं सुबह ही कपड़े चेंज की हूँ, क्योंकि रात भर का वो गीला रद्द कर देता है जो पानी उन्हें, फिर मैं चेंज की। तो फिर अभी फिर से मुझे काम, मतलब मुझे खाना करने टेंशन है काम का, बस मुझे अभियोग में पूरा दिन मेरा चला जाता है किसी शैतानी से, शैतानियाँ जो होती है। सोचो दूध पी रहे बॉटल तुम, उसको गिरा ले। अच्छा था कि मैं दो लेयर तीन लेयर पहनाई थी कि वो अंदर तक का नहीं गीला हुआ, तो दो ही वाला गीला हुआ। तो यहाँ पे ये सही कर दूँ, और इसको मैं पीट के सुलाऊँगी। तो यहाँ पे अभी रेडी हो गया है, तब इसको देखियो कहाँ जाके खड़ा है।
खिड़की के ऊपर खड़ा, क्योंकि इसको खोलना चाह रहा है, खोल के उसमें से बुलाएगा अपने जो इसको खिलाने वाले लोग हैं, ग्राहक बोलते हैं। तो वहाँ से ये चिल्लाता है विंडो से, तो वहाँ के लोग आ जाते हैं अभियुक्त को घर में लेने के लिए, क्योंकि इसके सामने ही हम लोग का बाहर का गेट है। तो यहाँ अभियुक्त है, यहाँ मैं इसको बोली नीचे उतर, तो मुंडी हिलाता है, नहीं मैं बोली नीचे उतर, करा नहीं, यही सब इसकी आदतें हैं। बहुत क्यूट लगता है, पर जब गुस्सा आता है तो मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पे मैं अभी इसको ब्रेड और दूध दे रही हूँ, इसकी दीदी खा रही थी ना, तो ये परेशान कर रहा था उसको, अपनी दीदी को। तब बोले लाओ बेटा मैं इसको खिलाऊँ, देखो खाता है कि नहीं, तो हट जाती गुस्से में। बोली लो मम्मा आप ही इसको खिला दो, हर चीज़ मेरा इसको खिलाती रहती हो। हम बोले अरे दो है खा ले लो, देखो कितना खाता है। तो ये नहीं खाया, चलो ठीक है बच गया, आधा खाता है बाकी नहीं खाया, इसके मूड के ऊपर है। अगर यही नहीं देती ना आकृति, मैं नहीं खिलाती ना, तो पूरा गिरा देता, रोता। अब मैं दे रही हूँ तो नहीं, बस इसको क्या है ना, इसको जो चीज़ आप मना करोगे वही करता है, और नहीं बोलोगे तो हट जाएगा। तो मैं इसको लेके टीवी वाले रूम में बैठी हुई है, मेरी बेटी टीवी देखती है अपना सुबह का कार्टून, क्योंकि सुबह सुबह कहाँ जाएगी। तो अभियुक्त की इतनी पहचान हो गई, गाँव के लोग लेके जाते हैं खिलाने, मतलब दूर नहीं सिर्फ सामने, इसकी आवाज़ें आती रहती मेरे घर में। तो बस हर हर महादेव भी हो रहा है, ये क्लैपिंग करना सीख गया, मतलब आप बोलेंगे ना हरे राम हरे कृष्णा तो ये ताली बजाएगा, और जब बोलेंगे हर हर महादेव तो हाथ ऊपर करता है, और हाथ से छुपना लुका छुपी ये सब चीज़ें सीख गया है। तो ये है अभियुक्त का, आज अभी अब जा रहा है बाहर, इसका घर में मन ही नहीं लगता है। तो बस अभी हम आ गए हैं किचन में भाई, अपना काम धाम करने, जो डेली का एक होता है, बहू कह लीजिए हाउसवाइफ का कह लिए, क्या हर कोई करता है भाई, अपना खाना खुद से बनाना। तो चलिए यहाँ मैं अदरक को कूट रही हूँ, कुछ बनने वाला है मेरे घर, और बाकी मैं अपना खाना की तैयारी भी साथ साथ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ मूंगौड़ी बना रही हूँ, मेरे पापा जी का तबीयत नहीं सही, बुखार आता हल्का सा आराम हुआ तो मुंह कड़वा हुआ, तो उनका आज मूंगौड़ी खाने का मन कर रहा था, मूंग दाल का बनता है, तो मैं यहाँ मूंगौड़ी बना रही हूँ। और इसके बाद मैं आ गई हूँ अपना काम धाम, जो चीज़ें होती है प्रोसेस करने के लिए। हाँ दोस्तों ये ना मैं आई हूँ अभी, मैं मेरे बड़े भैया जी आने वाले हैं कल, तो उनका रूम सेट, मम्मी जी बोली पूजा काम हो गया है तो रूम सेट कर दो, कल आ जाएंगे, नहीं तो कोई ना कोई आता रहेगा, ऐसे घर बिखरा रहेगा नहीं अच्छा लगता है। तो बस वही मैं भैया जी के रूम में आके अपने, इनका रूम में फर्स्ट टाइम है, जल्दी नहीं आती इनके रूम में मैं, क्या कोई नहीं आता इनके रूम में, तो अभी आने वाले हैं डिस्चार्ज करा के, तो यहाँ उनका रूम में सेट कर रही हूँ। तो बस बनी रही, देखती रही मेरे साथ, मेरे वीडियो को अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब करती रही। बाद में अपने बड़े देवी के रूम में आई हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम नहीं कर सकती, हाँ थोड़ा बहुत आती, थोड़ा बहुत क्या, जिसे वो लेटे रहते थे सुबह चाय देने के लिए, बस यहाँ रख के तुरंत चली जाती। इतने लेट तक आज पहली बार मैं आई हूँ देवर जी के रूम में, इनके रूम में कोई नहीं आता, हेल्पर तक नहीं आता झाड़ू पोछा करने को, खुद से करते, पता नहीं क्या ऐसा कोई नूर है। मम्मी जी बोली जाओ रूम सही कर दो, क्योंकि भैया जी आने वाले हैं डिस्चार्ज करा के, तुमके अरे मम्मी जी मैं नहीं जाऊँगी भैया जी के रूम में, क्योंकि उनके रूम में कोई भी आता है, सिर्फ आकृति और अभियुक्त आता है, बाकी कोई नहीं आता, किसी का परमिशन है, वो जाते भी है तो लॉक करके जाते हैं ताला लगा के। बोले नहीं भाई मैं पता नहीं क्या कोई नूर है उस रूम में, तो इतने भंगार इतने गंदे तरह से भैया जी का घर है, क्या बताऊँ मैं भाई। मैं तो बस जो ये जैसे टेबल हुआ इसको सही से कर दी, वो बोले मेरे कोई सामान इधर उधर नहीं होना चाहिए, अभी इतना सफाई हुआ सुधक में ना, वो अपना खुद से किए थे, बेड सही है और बाकी बहुत जगह है, बस कुछ कुछ सामने वाला सही कर दूँ, बाकी वो अपना आएंगे तो फिर कहेंगे तब साफ करूँगी, क्योंकि बहुत सारे भंगार हैं।
तो चलिए अभी और देखते हैं क्या काम है। तो वो याद भैया जी का रूम क्लीन।